हरे कृष्णा। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि मंदिर में जाने से पहले स्त्री को सर ढककर जाना चाहिए। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला है सम्मान। जब हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी का आदर करते हैं, तो सर ढककर जाते हैं। इसलिए आज भी परिवार में विवाहित महिलाएं बड़े बुजुर्गों के सामने सर ढककर जाती हैं। इंडियन आर्मी में भी जब किसी सीनियर ऑफिसर को सम्मान देना होता है तो सर ढका जाता है। दूसरा, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा है कि हर एक चीज में, हर एक मैटर में चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, राइट? वैसे ही बालों में भी चार्ज होता है। इसलिए जब हम टेलीविजन के सामने अपना हाथ लेकर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा सर एक रिसेप्टर का काम करता है। हमारे सर में एक कुंडलिनी चक्र होता है जो कि रिसीविंग का काम करता है। तो हम किसी नेगेटिव एनर्जी को रिसीव ना कर लें, इसलिए भी सर ढकने का रिवाज शुरू हुआ था। इसलिए पहले के टाइम में इस चीज़ को पुरुष भी फॉलो करते थे। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा या फिर कोई एक नॉर्मल पुरुष भी किसी मुकुट से, पगड़ी से या फिर किसी भी कपड़े से अपना सर ढका करते थे। तीसरा, स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं और मंदिर में पवित्रता का, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो मंदिर में कोई बाल ना गिर जाए या फिर हमसे कोई अपराध ना हो जाए, इसलिए भी हमें सर ढक कर ही आना चाहिए। इसलिए पुरुष भी जब पूजा अर्चना करते हैं तो अपने सर को किसी रुमाल से या फिर किसी भी वस्त्र से कवर कर लेते हैं। अग्नि पुराण में ऐसा बताया गया है कि स्त्री के जो केश हैं वो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पुत्र, पौत्र, उसके परिवार को इंगित करते हैं। तो जब स्त्री अपने सर को ढक कर किसी भी देवता या फिर भगवान की पूजा करती है तो उस देवता जिसकी वो पूजा कर रही है या भगवान का उसके साथ साथ उसके पूरी पीढ़ी, पौत्र, परिवार, सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्त्री का सर ढकना रूढ़िवादिता या फिर पिछड़ापन नहीं समझना चाहिए। इन नियमों का मतलब ये नहीं है कि स्त्री कमजोर है, बल्कि स्त्री इतनी मूल्यवान है कि उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए सरकार ने वुमेन्स को इक्वल राइट्स देते हुए उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए हुए हैं और कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की हुई हैं। इसलिए ये वीडियो देख रही सभी स्त्रियों से मेरा ये निवेदन है कि जब वो किसी वर्क प्लेस पे जाती हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर उनको नहीं लगता वो कि वो सर ढकने में कम्फर्टेबल है, तो कम से कम मंदिर में जाने से पहले वो सर ढककर जरूर आएं और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा।